So very good morning everyone from Mumbai again and आज मैं बहुत excited हूँ to visit IIT Bombay for the first time in life. हर एक student का dream होता है. I still remember कि मुझे 11th 12th में ये नहीं पता था कि मुझे कौन सा major लेना है, क्या पढ़ना है, बस ये जरूर पता था कि कौन से college में जाना है. तो वो आज सपना पूरे होने वाला है to visit, to see कि एक IIT student का, IIT JEE student का जो dream होता है वो reality में कैसे दिखता है. So let's go. वो ना मेरा ऑटो. हाँ जी, हाँ जी, आई आई टी बॉम्बे पवाई मेन गेट पे. हाँ जी, आई आई टी कॉलेज है. छोटा फैक्ट्री वाली वाइब्स आ रही है. इन मराठी आय से मजा मजा आई आई टी बॉम्बे जाए छे. मजा माला 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 आई आई टी बॉम्बे जाए छे. तो ये है सारी हीरा नंदानी टावर्स. दैट्स पवाई लेक नियर आईटी बॉम्बे. ले लो ले लो. तो दोस्तों आज तक जितने भी लोगों ने आईआईटी बॉम्बे अटेंड किया है दैट हैज बीन विदाउट विजिटिंग, विदाउट गेटिंग द फील ऑफ द कॉलेज. काफी लोगों को सिर्फ नाम पता होता है, ब्रांड पता होता है, बट ये नहीं पता होता हाउ इट फील्स टू बी इन आईआईटी. पर आज से ऐसा नहीं होगा, आज से मैं आपको फील करवाऊंगा, देन यू विल थिंक अबाउट अटेंडिंग इट. तो आईआईटी के सामने ही है एक स्टेशनरी शॉप, वहां से मैं लूंगा व्हाइट बोर्ड फॉर द इंपॉर्टेंट एमआईटी चैलेंज, सिमिलर टू एमआईटी चैलेंज मैंने पहले किया था. ये वाला व्हाइट वाला 250 यही दे दो, फिर यही दे दो. ये कितना ग्रीन कैंपस है. एंड इस बार जो चैलेंज होगा इट्स गोना बी ऑपोजिट, चैलेंजिंग आईआईटी स्टूडेंट्स विद एमआईटी क्वेश्चंस. सो सो एक्साइटेड. अच्छा, छिछोरे की शूटिंग यहीं पे हुई थी. वाओ, हॉस्टल 17 ये सबसे नया अभी बना है. भी साइकिल पे जाते हैं मेरी तरह, मैं भी रोज साइकिल पे जाता हूँ. यार ये कितने प्यारे हॉस्टल्स हैं, होटल जैसे लग रहे हैं. होली होली के रंग अब तक नहीं गए. आई वी जस्ट पार्क्ड आवर एक्टिवा इन फ्रंट ऑफ मेहता स्कूल ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे चैलेंज करते हैं. So hi, can you please introduce yourself? We are now at Hostel 9, Senior Hostels. So I am Bhavnoor Singh, I'm resident of Hostel 9 and our third year CSE student. कैसे लगे questions MIT के? हर चीज आपको कैंपस में मिल जाती है. इट्स वेरी अमेजिंग. जिम खाना अभी. हाँ चल पड़ते हैं. हाँ, जिम खाना देखा. आपका डे इन लाइफ थोड़ा बताना, क्या स्केड्यूल होता है एवरी डे मॉर्निंग टू इवनिंग? सुबह 8:30 से हमारी क्लासेस होती है. 12:30 तक यूजुअली क्लासेस खत्म हो जाते हैं. तो बैक टू बैक क्लासेस होती है? नो, बीच ब्रेक, कभी कभी ब्रेक मिल जाता है एक घंटे का बीच में. उसके बाद लंच टाइम रहता है और फिर लैब्स रहते हैं 2 to 5. सो 12 to 2 लंच एंड 2 to 5 लैब्स. लैब्स रोज नहीं होता और लैब के बाद हमारे लिए टाइम अपना. वाओ, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अच्छा. तो ओवरऑल हफ्ते में कितनी क्लासेस होती है? जैसे हमारा, मेरा क्रेडिट सिस्टम होता है, हमारा 15 क्रेडिट है तो 15 आवर्स क्लासेस होती है हफ्ते का. तो आपका कितना होता है, मतलब 10 आवर्स 20 आवर्स क्लासेस विदाउट लैब्स? एवरी डे अबाउट 2 hours. खुद के लिए काफी टाइम मिल जाता है कॉलेज में टू डू एक्स्ट्रा. ऑसम. एंड दिस इज द जिम. ओ सामने हिल. हाँ वो समीर हिल. टेबल टेनिस बन जाए. यानी एथलेटिक का ट्रैक अराउंड 400 मीटर रनिंग कर सकते हो. बहुत बढ़िया जिम है. ओपन एट 4 PM. बहुत ही सुंदर है. क्या एपिक होली है, काश मैं होली देख पाता. एंड आई जस्ट गॉट टू नो द ट्यूशन फी ऑफ आईआईटी बॉम्बे. इट्स पर सेमेस्टर 1.25 lakh विद डॉर्म इंक्लूडेड, जो हम हॉस्टल 16 के सामने हैं. एंड पर ईयर बन जाता है अराउंड 2.5 lakhs, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. हाउ डू फील अबाउट द कम्पिटिटिवनेस ऑफ आईआईटी बॉम्बे? मतलब ए ग्रेड आना आसान है, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग होती है ना. ए ग्रेड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. यू कैन गेट डिसेंट ग्रेड लाइक ए बी 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 विद डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट यू गेट. As per competition, compared to JEE, it's a very healthy environment here. So people do help and interact with each other. JEE mein was like, people were very hostile. So, wo hostility nahi hai.
कोलैबोरेटिव कल्चर नहीं है इतना. नहीं कोलैबोरेटिव है पर वो जेई में नहीं होता था. जेई में बहुत हॉस्टाइल हो जाते थे पर हाँ मोस्टली बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट एम्स आल्सो तो हेल्प कर देते हैं दूसरे की. बट हाँ मतलब इट स्टिल इट्स वेरी फियर्स इवन दो इट इज हेल्दी. तो अब हम देखेंगे इनफिनिटी कॉरिडोर ऑफ आईआईटी बॉम्बे. एमआईटी का आपने देखा हुआ है. नाउ टाइम फॉर आईआईटी. दिस इज द इनफिनिटी कॉरिडोर. वहां से स्टार्ट होता है एंड ऑल द वे टिल हियर. सो या सो इनफिनिटी कॉरिडोर कनेक्ट्स एवरी बिल्डिंग ऑफ द कैंपस. तो जैसे वो मैथमेटिक्स बिल्डिंग है, लाइब्रेरी, पूरा कैंपस नीचे के सराउंडेड है. मैथमेटिक्स एजुकेशन प्रोग्राम सीएस बिल्डिंग में कनेक्टेड है ना यहाँ से. हाँ, सारी बिल्डिंग कनेक्टेड है. ऑसम. तो ओवरऑल आपको कंप्यूटर साइंस में कौन से कोर्सेज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगे? सो चैलेंजिंग सिंस डिफिकल्ट तो द कोर कोर्सेज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स हो गया, डेटाबेस हो गया. इंटरेस्टिंग में AIML. AIML या फॉर मी मोस्ट चैलेंजिंग वाज AIML. स्टैटिस्टिक्स काफ़ी मुझे रखी. आप आपको कुछ नहीं लगी? स्टैटिस्टिक्स का AIML में स्टैट्स नहीं होता. AIML इज लाइक एप्लीकेशन बेस्ड. स्टैटिस्टिक्स का एक अलग कोर्स था. सो बेसिक मतलब कोर कोर्सेज ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लगे. तो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ इट? प्रोफेसर, सिलेबस या फिर द प्रॉब्लम्स, एग्जाम्स? प्रोफेसर्स आर लाइक वेरी गुड, उनकी वजह से तो कोर्स अच्छा ही बना. हाँ, सो इट्स द कोर्स कंटेंट. कोर्स कंटेंट. सीरो कैफे जो हर स्टूडेंट को फ्री कॉफी देता है इन एवरी आईआईटी. या ये लेक्चर हॉल्स हैं, यहाँ पे आपके लेक्चर्स होंगे. अभी भी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं कि क्लासेस में हाइब्रिड हो रहे हैं? नाउ द सीएस बिल्डिंग फॉर विच आईआईटी हैज द लीस्ट एक्सेप्टेंस रेट. मतलब सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स को ही मौका मिलता है. एक्सेप्टेंस रेट लेस देन 0.2%. लाइक अमेज, घूम जाएगा बंदा. ब्रिजेस जा रहे हैं, इट्स लाइक अमेज. ये है नई बिल्डिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस एट आईआईटी बॉम्बे. दिस वाज ऑल फंडेड बाय अलुमनाइज ऑफ आईआईटी बॉम्बे. इस पर गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. ऑटो का मीटर स्टार्ट होता है 21 किलोमीटर से. आगे बढ़ता जाए तो इट्स गोना बी पर किलोमीटर 21, राइट? नहीं नहीं नहीं, 21 तो बेसिक फेयर है. 21 बेसिक है और पर किलोमीटर 14 to 15. 14 to 15 रुपीज़. ओके, 14 to 15. ओके, सो दिस इज़ द पवाई लेक. इट्स सो ब्यूटिफुल. तो यहाँ पूरा कैंपस पवाई लेक के सराउंडेड में है और सराउंडिंग्स में है. और यू कैन से इट्स इन द बैंक्स ऑफ दिस लेक, राइट? जॉगिंग करने का मज़ा आता होगा. आते हो जॉगिंग के लिए? क्या बात है, इतनी ठंडी हवा लेक के सामने. It's like a beach environment. बहुत मज़ा आ रहा है. कैंपस में सब्जी मंडी है. सो ओवरऑल मज़ा आ गया कैंपस देख के. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस. तो आपसे एक क्वेश्चन, आपने बताया कि अगर किसी बच्चे को बाहर जाना हो तो कैसे जाएगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है. आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही मेन गेट से एग्जिट ले सकते हो. अगर किसी का स्टार्टअप है, कोई जॉब करना चाहता है कैंपस के बाहर हर रोज, तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, आपको बस अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए. तो आपको अपना आईडी कार्ड पंच करना रहता है गेट पे, और किस टाइम पे आना तब भी पंच करके आना. तो कर सकते हैं, दैट इज़ ऑसम. और लास्ट इज़ कि अगर किसी को TA RA पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपनी फीस खुद पे करना चाहता है, किसके अंदर मोटिवेशन है, तो वो कर सकता है. जैसे TA RA मिल जाती है कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट ईयर को, फोर्थ ईयर वाले फर्स्ट ईयर को पढ़ाना चाहिए तो? हाँ, मिल जाती है.
फर्स्ट ईयर कोर्सेज के लिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर एडवांस कोर्सेज में क्योंकि बच्चे कम रहते हैं तो उसमें टीयरशिप ज़्यादा इजीली मिल जाती है. Awesome. Thank you so much. It was lovely seeing the campus with you. Thank you so much once again. My pleasure. So IIT gate के सामने ही है स्टार्टअप अनिकेत का, तो बताना आप स्टार्टअप के बारे में. सो दिस इज हाजा कोमिदा. हाजा कोमिदा, उसका मतलब क्या होता है? Have food. Portuguese and Spanish word mix. Spanish, okay. तो आप यहाँ पे डिलीवरी करते हो IIT में? अपना मेन्यू है शॉर्मा मोमोज एंड बाकी भी फास्ट फूड्स के आइटम्स मिलती है हफ्ते में, तो आप डिलीवर हो जाएगा. और बेसिकली अपना स्टार्टअप है, इंजीनियर का ही स्टार्टअप है किसी. तो बेसिकली मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, स्टार्टअप में आया हूँ तो थोड़ा फन भी लग रहा है, एक्साइटमेंट है. और मोर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, इनक्रेडिबल. आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पे. नहीं,